नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दर्शकों, प्यार को पाने के लिए हर कोई कितने प्रयास करता है, दिल और जान एक कर देता है, जहान एक कर देता है, और ये उम्मीद लगा के बैठ जाता है कि काश किसी तरीके से उसको उसका प्यार हासिल हो जाए। लेकिन अक्सर लोगों को उनका प्यार हासिल नहीं हो पाता। बहुत सारे प्रयास करते हैं, उपाय करते हैं, हर वो मुमकिन प्रयास, हर वो मुमकिन कोशिश करते हैं जिससे कि उन्हें ये लगता है कि उनका प्यार उनकी ओर खींचा चला आएगा। लेकिन जब उनके प्रयास असफल हो जाते हैं तो उनके हाथ सिर्फ निराशा लग जाती है। कोई किस्मत को दोष देता है, कोई भगवान को दोष देता है, और कोई जीवन भर उदासी के साथ और अकेला व्यतीत कर देता है। लेकिन अब आपको बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए आज फिर से एक और महावशीकरण का उपाय लेकर आई हूँ, जिसको करने के बाद आप किसी को भी आसानी से अपने वश में कर सकते हैं। आप जिसको भी अपने वश में करना चाहते हैं, दिन रात तो आपके मन में उसके बारे में ख्याल चलते ही रहते हैं। लेकिन यदि आपको ये उपाय पता लग जाते हैं तो आपका कार्य और आसान हो जाता है, और जहां आप उस व्यक्ति के साथ घूमने का विचार अपने मन में लाते हैं, उसके साथ समय को व्यतीत करने का विचार अपने मन में लाते हैं, वह विचार सच में तब्दील हो जाता है। वो व्यक्ति सच में आपके करीब आ जाता है, आपके पास आ जाता है, आपको चाहने लगता है, आपके साथ रहने के लिए वह भी उतना ही उत्सुक और परेशान हो जाता है जितने कि आप उसके लिए हुआ करते हैं। तो चलिए इस उपाय को नोट कर लीजिए। बहुत ही आसान और सरल उपाय है, जो है कागज के द्वारा किया गया वशीकरण। जी हाँ, आपको इस उपाय को करने के लिए आवश्यकता होगी एक सफेद रंग के कागज की, उसके साथ आपको आवश्यकता होगी एक लाल रंग के मार्कर की। अब इन दोनों का करना क्या है ये जान लीजिए। आपको इस कागज के ऊपर लाल रंग के मार्कर से उसका नाम लिखना है जिसको आप वश में करना चाहते हैं। ये लिखने के बाद आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है, जो कि तीन शब्दों का मंत्र है। मंत्र मैं आपको बता देती हूँ, ध्यान से नोट कर लीजिएगा। इसको हाथ में लीजिएगा कागज को, और वह चमत्कारी तीन शब्द आपको बोलने होंगे जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ओम कामाख्या अक्षोभ्य, इसका आपको उच्चारण करना है। ओम कामाख्या अक्षोभ्य, इन तीन शब्दों को आपको बोलना है। इन तीन शब्दों को बोलने के बाद आपको इस कागज को फोल्ड करना है, और जिसको आप वश में करना चाहते हैं उसका विचार अपने मन में लाना है, उसके बारे में सोचना है। उसके बाद इस कागज को आप अपनी जेब में रख लें। अपनी जेब में रखते समय भी आपको उसी का विचार करना है जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं। उसके बाद आपको 3 घंटे के बाद, ध्यान रखिएगा, जब आप इसको अपनी जेब में रखेंगे उसके 3 घंटे के बाद इस कागज को ले जाकर बहते जल में प्रवाह कर देना है। ऐसा करने के 3 घंटे के बाद वह व्यक्ति आपके वश में होने लगेगा, आपकी ओर आकर्षित हो जाएगा। धीरे धीरे आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि वह व्यक्ति आपकी ओर अट्रैक्ट होता जा रहा है। या तो उसका कॉल आ जाएगा आपके पास, या फिर वह आपसे बात करने के प्रयास करने लगेगा। आप यकीन मानिए, बहुत ही सफल उपाय है जिसको गुरु जी ने अभिमंत्रित करके आप लोगों के लिए तैयार किया है, ताकि आपको आपका मनचाहा प्यार हासिल हो जाए। लेकिन यदि फिर भी उपाय करने में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न होती है, उपाय आपको नहीं समझ आता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि उपाय किस तरीके से करना है ये जानकारियां आपको ठीक तरीके से नहीं समझ आ पाती हैं, बहुत से लोग उपाय खुद नहीं कर पाते, तो वह गुरु जी के द्वारा भी इन उपायों को करवा सकते हैं। इसके लिए आपको जो आपकी स्क्रीन पर नंबर दिखाया जा रहा है, आपको उस पर संपर्क करना होगा। तो आप भी ये उपाय करें और अपने प्यार को हासिल कर लें। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा। जय माता दी।